हेलो एवरीवन आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो रहने वाली है साइंस के ऊपर और साइंस में अगर बात करें तो वो रहने वाली है फिज़िक्स के ऊपर लेकिन ये फिजिक्स की लास्ट मतलब जो फिज़िक्स की एक पार्ट्स थे ना लगभग छः पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो कर दिए हैं ठीक है ना तो ये आज इसका सेवन्थ और लास्ट पार्ट है फिजिक्स हो जाएगी आज कम्प्लीट तो उसके बाद आ, दूसरे जो इसमें साइंस में जो दूसरे कंपोनेंट हैं वो भी उनकी वीडियोस भी आपको लगातार देखने को मिलेंगे ठीक है इस सीरीज़ में ठीक है तो आज हम चलते यहाँ पर आखिरी जो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए उनको करते हैं और फिजिक्स को यहाँ पर आज खत्म करते हैं ठीक है चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वेन आयरन रस्ट्स इट्स वेट जब आयरन रस्ट होगा उसमें रस्ट होगा तो उस वक्त उसका वेट क्या होगा इन डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा उसमें शोज नो चेंज या फिर डिक्रीज एंड देन इंक्रीज होगा तो क्या होगा उसमें जब आयरन में रस्ट होगा तो उस वक्त उसका वेट क्या होगा इंक्रीज होगा ओके नेक्स्ट है देखिए जो सर्कल कर रहे हैं वही क्वेश्चन हम क्या करेंगे उनको देखेंगे ठीक है बाकी ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ठीक है चालीस के करीब के क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं है ठीक है ना बाकी आपको पता है कि कौन से एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी जेके एस एस के, के एग्जाम्स के लिए जहां जहां पर साइंस को मैंशन कर रखा है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर टू है सोप इज यूज इन वॉशिंग बिकॉज सोप जो है इसमें वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है क्यों इट्स लोअर द सर्फेस टेंशन ऑफ़ वाटर ये सरफेस टेंशन जो वाटर की उसको क्या करता है लोअर करता है या फिर इंक्रीज़ करता है सर्फेस टेंशन ऑफ वाटर को या फिर इंक्रीज़ करता है विस्क्वासिटी ऑफ वाटर को या फिर डिक्रीज़ करता है विस्क्वासिटी ऑफ वाटर को तो क्या करता है ये सोप जो है आ, इसमें अगर बात करें वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है जो वाटर है उसकी सरफेस टेंशन को क्या करता है लोअर करता है ठीक है ना तभी जो उसमें डर्ट वगैरह है जो उसमें मैल वगैरह है तभी तो निकलती है वो ठीक है ना नेक्स्ट है द कलर ऑफ द दउटर एच ऑफ द रेनबो जो कलर है ऑटर एच ऑफ द रेनबो वो uh, कैसा है पर्पल है रेड है वाइलेट है या येलो है तो कौन सा है वो रेड है ठीक है ना ऑटर एच का रेड है और इनर एच का कौन सा है वो आपके पास कौन सा है वाइलेट है ठीक है ना विप गोयर ना ठीक है इनर में ये है और ऑटर में ये है ठीक चलिए नेक्स्ट है वेन मिल्क इज चर्न क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू जब ठीक है ना ऑप्शन हैं कोई सी फोर्स सैंटिफिकल फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स से या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से तो क्या होगा इसका आंसर बताएं आप वो होगा आपके पास का आंसर सेंटिफिकल फोर्स से ठीक है ना सेंट ड्यू टू सेंटिफिकल फोर्स ओके साइंटिफिकल फोर्स कहाँ से होती है अवे फ्रॉम सेंटर होती है ठीक है ना hmm. नेक्स्ट है नेक्स्ट है When a lift is going down with uniform acceleration, the apparent weight of a man in the lift is जब लिफ्ट क्या होगी इसमें नीचे की तरफ क्या होगी इसमें जाएगी ठीक है ना यूनिफॉर्म एक्सटेंडेशन के साथ जो अपरेंट वेट है मैन का इन द लिफ्ट वो क्या होगा मोर द रियल वेट होगा स्लाइटली लेस देन द रियल वेट होगा इक्वल टू द रियल वेट होगा या जीरो होगा एक तो पहले आप ये जान लें कि अपरेंट वेट होता क्या है और रियल वेट होता क्या रियल वेट जो होता है ना वो रियल में रियल में कितना वेट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एक्चुअल में कितना वेट है वो ठीक है ना वही रियल वेट होता है ठीक है और अपरेंट वेट वो होता है जिसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो होता है वो ऑब्जर्व करता है कि इतना वेट हो सकता है मतलब गेस करना ठीक है ना ओके तो ये वो कह रहा है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेशन के साथ वो जब नीचे मूव डन करेगी ठीक है तो उस वक्त जो अपरेंट वेट होगा मैन का लिफ्ट में वो क्या होगा तो वो क्या होगा स्लाइटली लेस होगा देन द रियल वेट मतलब जो रियल वेट है उससे क्या होगा कम होगा ठीक है चलिए थोड़ा सा कम होगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है सोल्जर्स क्रॉसिंग ये देखिए ये अपने इलेवन ट्वेल्थ में ये कर रहे होंगे क्वेश्चन ठीक है ना सोल्जर क्रॉसिंग ए सस्पेंशन ब्रिज ऑलवेज ब्रेक स्टेप्स इन केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ देयर मशीन सॉरी मशीन नहीं है मार्चिंग शुड को इनसाइड विद दैट ऑफ द ब्रिज एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ देखिए ये क्वेश्चन में सीधा कि देखें अगर आप सोल्जर्स एक सस्पेंशन ब्रिज को अगर क्रॉस करते हैं तो वो अपने स्टेप्स को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं मतलब उनके स्टेप्स जो हैं वो सेम नहीं पड़ेंगे अगर वो सेम पड़ जाते हैं ठीक है ना क्वेश्चन को आप समझिए कि अगर वो सेम पड़ जाते हैं तो उस वक्त क्या होगा उस वक़्त ये होगा कि जो उनकी इसमें देखिए हर एक आ, हर एक की फोर्स लगेगी ठीक है ना हर एक की फोर्स क्या होगी ब्रिज के ऊपर लगेगी और फोर्स जो है वो क्या करेगी जो आ, उन सब की अगर इकट्ठे करें तो एक क्या करेगी एक फ्रीक्वेंसी पैदा करेगी ठीक है ना क्या करेगी फ्रीक्वेंसी पैदा करेगी और वो फ्रीक्वेंसी जो है ठीक है वो फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो क्या हो जाती है आ, मैच कर देती है किसके साथ वो फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर देती है सस्पेंशन ब्रिज वाली फ्रीक्वेंसी के साथ ठीक है ना तो उस वक्त क्या होगा उस वक्त ये होगा आपके पास कि रेजोनेंस अक्कर होगा ठीक है ना रेजोनेंस अकर होगा और उसमें क्या होगा जो ब्रिज है वो क्या होगा मतलब उसमें जो ब्रिज है वो क्या हो सकता है इसमें वाइब्रेट ज्यादा होगा वो ठीक है ना और उससे क्या हो सकता है वो क्लेप्स हो सकता है ठीक है ना गिर सकता है वो ठीक है और ये वही है ऑप्शन सिक्स में कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है रिवरेशन ऑफ साउंड है रेजोनेंस ऑफ साउंड है या इको लोकेशन ऑफ साउंड है तो क्या है वो रेजोनेंस ऑफ साउंड है वो ठीक है ना तो इसलिए क्या करते हैं वो अपने ब्रेक्स को क्या करते हैं अपने स्टेप्स को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं ठीक है Next, day. in storms. द रूफ ऑफ द सम होशिस आर कैरिड अवे देखिए जब स्टॉम्प तूफान वगैरह हो तो उसमें अक्सर देखते हैं कि जो रूम रूफ है ठीक है ना जो छत है कुछ आ, सम होशिस का वो क्या हो जाता है कैरीड अवे मतलब उड़ जाता है वो ठीक है ना तो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद किस प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस है ये बर्न्योजियस प्रिंसिपल के अच अर्च, अर्चमिडियस प्रिंसिपल के लॉ ऑफ इनर्शिया के या पेस्कल सलाह के तो ये देखेंगे तो कौन सा बर्न्योलियस प्रिंसिपल के इसमें होता क्या है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना मतलब जो छत है वही जाता है ठीक है ना बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो वैसे ही अपनी जगह खड़ा रहता है ठीक है ना नेक्स्ट है इन न्यूटन थर्डला द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस न्यूटन थर्ड थाडला में आपको पता है कि एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ठीक है ना तो वही बोल रहा है कि इसमें क्या चीज आपको दिखेगी एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज क्या वो जो इसमें डिफरेंट बॉडीज के ऊपर मतलब जो न्यूटन थर्ड थर्डला के ऊपर अप्लाई हो रहा है डिफरेंट बॉडीज के ऊपर हो रहा है और उसके साथ या फिर एक्ट ऑन द सेम बॉडी के ऊपर हो रहा है या आर नॉट ऑलवेज इक्वल या फिर आर ऑलवेज इक्वल तो देखिए न्यूटन थर्ड थाडला में अगर बात करें तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज क्या होती हैं वो इक्वल होती हैं एक्शन और एक आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं और ये डिफरेंट बॉडीज के ऊपर क्या करती है एक्ट करती हैं ओके चलिए नेक्स्ट है okay? वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग ए फॉग बिकॉज ऑफ देखिए हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखा है कि हम फॉग uh, जब होगी तो मतलब नहीं देख सकते फॉग के दौरान ठीक है तो उसकी वजह क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इंटरनल रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन या स्केटरिंग ऑफ लाइट तो क्या वो सबको मालूम होगा वो आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट ठीक है नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स डिजोल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ्स देखिए अभी हमने करा पीछे ठीक है ना तो बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन है ये तो डिटर्जेंट को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में ठीक है जो कि कपड़े धोने में क्या होता है उसका काफी मदद मतलब, मतलब उसी वजह से तो कपड़े धो सकते हैं ठीक है ना ठीक है तो ऑप्शन से इसमें इंक्रीजिंग द इसमें होता क्या कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर ठीक है ना जो डिटर्जेंट डिज, डिज, डिज़, को इसमें जब डिजॉल्व करेंगे वाटर में ठीक है ना तो उससे क्या होगा टेम्परेचर वाटर इंक्रीज होगा या फिर रिएक्टिंग केमिकल विद डर्ट होगा या फिर रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होगा या डिसॉल्विंग डर्ट होगा तो क्या होगा ये क्या करता है जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इसको क्या करता है रिड्यूस करता है जब हम डिटर्जेंट को ऐड करते हैं किस में वाटर में ओके चलिए नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन बहुत सारे लेकिन हम सारे नहीं करेंगे जो सर्कल कर रखे हैं इंपॉर्टेंट जो हैं वही करेंगे ठीक है ना नेक्स्ट है एंडोस्कोप यूज बाय डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट स्टोमिक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जो एंडोस्कोप है किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है ठीक है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो किसके ऊपर काम करता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ओके नेक्स्ट है द फिनोमिनन ऑफ मिरेज ठीक है ना माइरेज ठीक है द फिनोमिन ऑफ माइरेज इज ड्यू टू जो इंक्रीज ऑब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट बाई एयर एट हाई टेम्परेचर या चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद चेंज इन टेम्परेचर या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिक्रीज ऑब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट बाई एयर एट हाई टेम्परेचर तो जो फिनोमिन ऑफ माइरेज है वो किस वजह से हो रहा है किस वजह से होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ओके नेक्स्ट है लाइटनिंग इज फॉर्म्ड वेन लाइटनिंग कब फॉर्म्ड होती है ऑप्शन से सिमिलर चार्जिस ऑफ इलेक्ट्रिकल 呃、uh हाँ पुश टू वर्ड्स ईच अदर एंड देन एक्ट रेपल्ड क्लोट्स स्ट्राइक अगेंस्ट इम्प्यूरिटीज़ इन एयर एंड द फ्रिक्शन ये है इसमें एक्चुअली मिस प्रिंट भी है थोड़ा तो ये आप देख लें सीधा आंसर जो मैं बताऊँ आपको तो वो इसका सीपा ठीक है ना इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिट चार्जेस जो होते हैं डिफरेंट इसमें डिफरेंट क्लोट्स में ठीक है वो क्या करते हैं ब्रेक डन होते हैं ब्रेक डन करते हैं क्या जो रिसिस्टेंस ऑफ बाई द इंटरवेनिंग एयर होती है तो वो सब क्या मतलब आपस में क्या करते हैं वो मिलते हैं जो अपोजिट चार्जेस हैं तो उसी से क्या हो रहा है आपके पास लाइटिंग जो है रहा है फॉर्म है ओके okay? नेक्स्ट है विचला इज इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ क्लीनिंग ए कारपेट बाई बीटिंग इट विद स्टिक देखिए ये आपका नाइन्थ नाइन्थ या टेंथ में से है ठीक है ना तो देखिए ये क्वेश्चन जो बेसिक्स हैं और ये आपको आ, देखने को मिलेंगे न्यूटन्स के ला में तो क्वेश्चन आना नहीं आना ठीक है ना तो कौन सा इसमें लॉ जो आ, अप्लाई होगा इसमें जब हम क्या करते हैं क्लीन करते हैं कॉर्पेट को बाय बीटिंग इट विद द स्टिक तो कौन सा है वो फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो कौन सा है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ठीक है ना इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज जो है मतलब आ, कोई इसमें कोई भी चीज है तो अपनी जगह रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगी अगर वो मोशन में तो किसमें मोशन में तो वो फिर उसी मोशन में रहना चाहेगी ठीक है ना फर्स्ट मोशन ये कहते हैं ठीक है, next है, next है uh, हाँ यहां से ओके चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है हाँ नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट आर कॉल्ड पोलर सेटेलाइट बिकॉज जो रिमोट सेटेट है उनको पोलर सेटेलाइट भी कहते हैं क्यों फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्बिट द अर्थ अलॉन्ग द पोल्स टू पोलिकुलर पॉइंट सी है क्या होगा इसमें जो रिमोट सेटेलाइट है पोलर सेटेलाइट भी कहते हैं क्यों बिकॉज दे ऑर्बिट द अर्थ अलॉन्ग दोल्स आर फ्रॉम पोल टू पोल ओके नेक्स्ट है द टर्म हाइड्रोपोनिक्स इज यूज टू डिस्क्राइब जो टर्म हाइड्रोपोनिक्स है इसका मतलब क्या है

इंक्रीज होती रहेगी या फिर इट्स गोज एंड डिक्रीज होती रहेगी या फिर इट्स गोज फॉर सम टाइम एंड देन बिकम्स या फिर इट फॉल्स विद विस्टेंट स्पीड फॉर सम टाइम एंड देन इट्स इंक्रीज तो क्या होगा जब स्मॉल रेन रेनड्रॉप का अगर फॉल करेंगे थ्रू एयर तो उस वक्त उनकी विलास्टी पहले क्या होगी इंक्रीज होगी ठीक है ना कुछ टाइम के लिए इंक्रीज होगी एंड देन कॉन्स्टेंट हो जाएगी ठीक है थोड़ी देर बाद फिर क्या हो जाएगी वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी ओके okay? नेक्स्ट है नेक्स्ट है टेलीविजन सिग्नल कैनॉट बी रिसिव्ड जनरली बियॉन्ड ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू देखिए टेलीविजन सिग्नल जो है ठीक है कैन नॉट बी रिसीव्ड जनरली बियॉन्ड ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू किस वजह से कर्वेचर ऑफ अर्थ होने की वजह से वीकनेस ऑफ एंटीना होने की वजह से या वीकनेस ऑफ जिनरल होने की वजह से या याब्प्शन ऑफ सिग्नल इन एयर होने की वजह से तो क्या हो आपके पास कर्वेचर ऑफ अर्थ होने की वजह से ठीक है नेक्स्ट है which of the following remains constant while throwing a ball upward तो जब बॉल को अपवर्ड करेंगे कौन सी चीज उसमें कंस्टेंट रहेगी डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी सबको मालूम है ये क्या है एक्सेलरेशन है ओके नेक्स्ट है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग रेडिएशनस कैरीस मैक्सिमम एनर्जी ये हमने कल भी करा था क्वेश्चन रिपीट हुआ है ठीक है ना तो कौन सा आपको पता है कौन सा वो गामा रेज है वो ठीक है ना नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉमन डिवाइस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तो ये चीज ये ध्यान में रखना बार बार इसको याद करना कि ट्रांसफार्मर जो है वो किसके ऊपर है किसके ऊपर है किस प्रिंसिपल के ऊपर है वो है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर ओके okay? ये क्वेश्चन आपको पक्का कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा इसमें ठीक है नेक्स्ट ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लाज डज ए रॉकेट वर्क रॉकेट की अगर बात करें तो किस कंजर्वेशन लॉस के ऊपर वो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर या फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो किसके ऊपर काम करता है वो वो तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक है ना और लॉ की बात करें तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा यहाँ पर ठीक है ना अगर लॉ में पूछेंगे तो अपने न्यूटन थर्ड लॉ पे जाना है ठीक है नेक्स्ट है थ्रू विच वन अमंग द फॉलोइंग मटीरियल डज sound ट्रेवल स्लोवेस्ट तो इन ये सारे मटीरियल हैं तो इसमें सबसे स्लोवेस्ट जो इसमें साउंड जो ट्रेवल करेगी वो किस में करेगी एयर में ग्लास में वाटर uh, में या वुड में तो किसमें वुड में वो ठीक है नेक्स्ट है ए मैन विद ए डार्क स्किन इन कंपेरिजन विद अ मैन विद अ वाइट स्किन विल एक्सपीरियंसड देखिए एक डार्क स्किन वाला एक वाइट स्किन वाला है ठीक है ना तो इसमें जो डार्क स्किन वाला है वो कैसे एक्सपीरियंस करेगा मतलब इसमें किसके कंपैरिजन में वाइट स्किन वाले के कंपैरिजन में वो लेस हीट और लेस कोल्ड एक्सपीरियंस करेगा या लेस हीट एंड मोर कोल्ड एक्सपीरियंस करेगा मोर हीट एंड लेस कोल्ड एक्सपीरियंस करेगा या मोर हीट एंड मोर कोल्ड तो क्या करेगा वो लेस हीट और लेस कोल्ड एक्सपीरियंस करेगा मतलब उसको गर्मी भी कम लगनी है और सर्दी भी ठंड भी कम लगनी है ठीक है नेक्स्ट है दाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हैं? मस्ट भी कन्वर्जेंट होनी चाहिए मस्ट भी डाइवर्जेंट होनी चाहिए मस्ट भी पैरल टूचर होनी चाहिए इंटरसेक्ट होती तो है वो मस्ट भी पैरल इलेक्ट्रिकलिस्टेंस टाइपिकल्सेंस डी गोज टू जीरो अगर इलेक्ट्रिकल रेसिटेंस टाइपिकल सब्सटेंस का ड्रॉप हो जाता है जीरो तक देन दबस्टेंस इस्टेंस को क्या कहेंगे सुपर कंडक्टर कहेंगे सेमी कंडक्टर कंडक्टर या इंसोटर तो क्या कहेंगे उसको सुपर कंडक्टर कहेंगे ओके okay? नेक्स्ट है इन प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर जो प्रेशर कुकर है उसमें कुकिंग क्या होती है फास्टर होती है क्योंकि जो बिकॉज द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर जो इंक्रीज uh, होता है ना वेपर प्रेशर वो क्या करता है इंक्रीज़ करता है स्पेसिफिक हीट को डिक्रीज़ करता है स्पेसिफिक हीट को या डिक्रीज़ करता है बॉइलिंग पॉइंट को या इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट को तो इंक्रीज इन वेपर प्रेशर क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा किसको बॉइलिंग पॉइंट को ठीक है ना क्या करेगा डिक्रीज़ करेगा किसको बॉइलिंग पॉइंट को ओके okay. नेक्स्ट है विच वन अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो कन्वेक्स मिरर्स आर यूज बाई डॉक्टर्स टू एग्जामिन ओरल एक्केविटी वो तो कनकेव है कनकेव मिरर्स आर यूज एज रिफ्लेक्टर्स बिल्कुल हाँ कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं इसमें एज ए रिफ्लेक्टर्स ठीक है कन्वैक्स का नहीं ठीक है तो शेविंग के लिए भी नहीं होता यह ठीक है ना इसका कौन सा है ये बी पार्ट ठीक है नेक्स्ट है वेन एरिया ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स वेव लेंथ रिमेन्स सेम फ्रिक्वेंसी रिमेन्स सेम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज वेव लेंथ इंक्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है क्या है इसमें एक चीज ध्यान रखना तीन चीज आपने ध्यान रखनी यहां पर जब लाइट क्या करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी एक तो उसकी स्पीड चेंज होती है ठीक है दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और तीसरी चीज जो आपने याद रखनी है ना वो ये वाली है कौन सी फ्रीकवेंसी फ्रिक्वेंसी जो है ना उसकी वो क्या रहेगी सेम रहेगी फ्रीकवेंसी उसकी सेम रहेगी लेकिन स्पीड क्या होती है इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है ठीक है ना अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो स्पीड क्या होगी डिक्रीज होगी रेयर में फास्ट होती है और जैसे ही डेंसर में जाएगी तो उसकी कम हो जाएगी ठीक है ना और वो नॉर्मल की तरफ अप्रोच करेगी ओके बाकी ये सब बता रखा है ठीक चलिए नेक्स्ट है

देन दैट ऑफ ग्लास से देखिए जित जो जितना ऑप्टिकल डेंसी मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उतना ज्यादा होगा ठीक है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उतना ज्यादा होगा और उससे स्पीड क्या होती स्लो होती है ठीक है ना मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही वहाँ स्पीड क्या होगी कम होगी और जिसका जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहां से जो लाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी ज़्यादा होके वही यहां पर ठीक है ना कि जो इंडेक्स है वो एयर का क्या है लेस है तभी तो यहां से क्या हो रहा है जो लाइट है वो फॉर्च ट्रेवल हो रही है किसके कंपैरिजन में ग्लास के कंपैरिजन में या ग्लास में क्या हो रही है कम हो रही है किसके कंपैरिजन में एयर के कंपैरिजन में ओके चलिए नेक्स्ट है बस ही बचे क्वेश्चन मेटल प्लेट विद ए सर्कुलर होल एट द सेंटर इज हीटेड वट विल हैपन टू द एरिया ऑफ द होल एक मेटल प्लेट है ठीक है ना तो जब हम उसको क्या करेंगे हीट करेंगे उसके बीच में एक होल है तो उस वक्त वो क्या होगा सीधा सा यार जब आप इसमें मेटल प्लेट को क्या करेंगे इस सर्कुलर होल के साथ अगर हीट करोगे तो क्या होगी एक्सपैंड होगी तो मतलब उसमें क्या होगा इसका एरिया क्या होगा इंक्रीज होगा ओके चलिए नेक्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाई ए मैन इज ग्रेटेस्ट यहां पर ऑप्शन है तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस तरह से मतलब वो रहेगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उसका जमीन के ऊपर होगा ठीक है ना ऑप्शन से वैन ही लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड जब वो लेटेगा जमीन के ऊपर उस वक्त प्रेशर ज़्यादा एक्सेंट करेगा ग्राउंड के ऊपर वो या फिर वैन ही स्टैंड ऑन द ऑफ वन फूट अगर वो वन फूट के जो टो तो है उसके ऊपर वो स्टैंड करता है उस वक्त क्या उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा ग्राउंड के ऊपर या फिर वैन ही स्टैंड विद बोथ फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड उस वक्त होगा या याफ दिल द सेम प्रेशर तो क्या वो होगा आपके पास जब वो एक फूट के ऊपर क्या होगा अपने टोस के ऊपर खड़ा होगा तो उस वक्त वो क्या होगा सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जेट करेगा किसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर और दूसरी बात ये रही अगर ऐसे ऑप्शंस ना हों तो अगर वो कहे कि इसमें लेटा हुआ वो ठीक है ना या फिर इसमें बैठा हुआ हो या फिर खड़ा हुआ हो तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रेशर किस तरह वो ए, किस तरह किससे वो एग्जट करेगा सबसे ज़्यादा तो जब वो खड़ा होगा तो उसी वक्त उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर रहता है इसमें ग्राउंड के ऊपर ठीक है नेक्स्ट तो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस वन ऑफ द फ्लोइंग एज एग्जॉस्ट तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो व्हीकल हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एज एन एग्जॉस्ट क्या एन एच थ्री सी एच फोर एच टू ओ या एच टू ओ टू तो क्या करती है वो एज एच टू ओ क्या करती है वो एग्जॉस्ट करती है मतलब एच टू ओ एच टू ओ क्या हो गया होगा मतलब वाटर का ही है ना ठीक uh, uh, है नेक्स्ट है इन सोनार वी यूज़ सोनार सोनार में कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इंफ्रासोनिक होती हैं रेडियो वेव्स या ये वाली तो कौन सी होती हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं एक्चुअली इनका रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और ये हम हमारे रेंज से काफ़ी ज़्यादा होती हैं ठीक है रेंज इनका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है नेक्स्ट है वेन यू पुल ओट द प्लग कनेक्टेड टू द टू एन अलेक्ट्रिकल अप्लायंस यू ऑफ ऑब्जर्व इस पार्क टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द अप्लायस इज दिसेटेड जब हम क्या करते हैं एक प्लग को निकालते हैं इसमें बोर्ड वगैरह से ठीक है ना तो उस वक्त उसमें स्पार्क हम देखेंगे तो वो क्या वजह उसकी ठीक है ना कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें टू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लियंस इज दिस रिलेटेड तो किस एप्लियंस मतलब साथ रिलेटेड है वो रेजिस्टेंस के साथ है इंडक्टेंस के साथ है कैपेसिटी के साथ है या वैटेज के साथ है तो किस से वो कैपेसिटी के साथ है ओके नेक्स्ट है इफ़ द डोर ऑफ ए रनिंग रिफ्रिजरेटर इन ए क्लोजर रूम इज कैप्ट ओपन अगर इसमें डोर अगर हम क्या करेंगे ओपन करेंगे एक रनिंग रिफ्रिजरेटर की ठीक है ना क्लोजिंग रूम में

हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट आर डिवाइस इन विच फ्लूड्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक लिफ्ट अगर बात करें ठीक है इस पर देखें तो इसमें 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 यह क्या तो इस, है हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक लिफ्ट आर डिवाइसिस इन विच फ्लूड्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग तो क्या ट्रांसमिट करते हैं यहाँ पर इसमें फोर्स को ट्रांसफर करते हैं ट्रांसमिट करते हैं मोमेंटम को प्रेशर को या पावर को तो कौन सा है वो प्रेशर को ट्रांसमिट करते हैं ओके नेक्स्ट है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई ए बैट अगर बैट की बात करें तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो कौन सा करता है अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक की बात करें तो रेंज इसका काफी ज्यादा होता है नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इस क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है ये हमने पहले भी करा है तो क्या होता है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है सर्किट में इंक्रीज होता है हैवली तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है ठीक है नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर्स आर यूज इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड होम्स आर फैक्ट्रीज इन अडर टू देखिए ये ट्रांसफार्मर लगे होते हैं हमारे कहीं लगे होंगे ठीक है ना और वहीं से आगे क्या हो रही है सप्लाई हो रही है इसमें इसमें बात करें तो मतलब पावर जो हो रही है सप्लाई हो रही है वहीं से ठीक है ना तो ये कहता है इसमें काम क्या होता है उसका ठीक है ना क्या करता है मिनिमाइज द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन केबल्स मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन केबल्स या मिनिमाइज द करंट ड्रॉप इन द ट्रांसमिशन केबल्स या प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज एट द यूजर एंड तो क्या करता है ये प्रोवाइड करता है कांस्टेंट वोल्टेज एट द यूजर एंड ट्रांसफार्मर का ये काम है ठीक है नेक्स्ट है ए पीस ऑफ पेपर एंड ए क्रिकेट बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट दोनों को एक जगह से क्या करना एक से है एक सेम हाइट से क्या करना ड्रॉप करना किसको पेपर को भी और क्रिकेट बॉल को भी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डू बोथ रीच द सर्फेस सेमेंट किस कंडीशन में ये दोनों एक ही टाइम पर एक ही टाइम पर जब उनको वहाँ से ड्रॉप किया तो एक ही टाइम पर ये क्या करेंगे पहुँचेंगे भी अपने डेस्टिनेशन पर जो भी होगी ठीक है तो दे मस्ट हैव द सेम वॉल्यूम उनका वॉल्यूम सेम होना चाहिए तभी पहुंचेंगे वो दे मस्ट हैव द सेम डेंसिटी होनी चाहिए दे मस्ट हैव द सेम मास या फिर दे मस्ट ड्रॉप बी ड्रॉप इन वैक्यूम तो कहां पर होना चाहिए आपको सबको मालूम है कि वो ये सिर्फ एक ही कंडीशन मतलब वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कहां पर वैक्यूम में जहां पर आप इन दोनों को फेंक सकते हैं और वहां पर ये दोनों एक ही टाइम में पहुंच भी सकते हैं ओके नेक्स्ट और लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव इज टाइपिकली जो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव की वो कितनी होती है अबाउट ट्वेंटी किलो हर्ट्स या अबोव ट्वेंटी थाउजेंड किलो हर्ट्स तो किसके जो अल्ट्रासाउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस से अबोव होती है अबोव ट्वेंटी किलो हर्ट्स से ज़्यादा जो अल्ट्रासाउंड वेव होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है और ये ऑडिबल होते हैं किसके लिए बैट के लिए वो कम्युनिकेशन इसी से करते हैं लेकिन ह्यूमन के लिए ये इनऑडिबल होता है ठीक है ठीक है ये भी हमने वो बात करी है ये ये रेंज आपने याद रखना है अल्ट्रासोनिक वेव्स का कितना बीस हज़ार किलो हर्ट्स ओके और यही थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट और लास्ट वीडियो फिजिक्स को लेकर ओके okay? इसके साथ हमारी फिजिक्स को ये कंप्लीट, अब हमारे पास दूसरा कंपोनेंट जो कि हम नेक्स्ट कल से शुरू करेंगे आई होप आपको ये जो सीरीज चलाई है इसमें साइंस में और साइंस में भी आगे फिजिक्स में लेकर लगभग सात आठ वीडियो जो हैं वो डाली हैं ठीक है ना तो आई होप आपको ये सब अच्छी लगी होंगी अगर अच्छी लगी हैं और अब आप आगे भी ऐसे देखना चाहते हैं ठीक है ना तो वीडियो को आप कर दे लाइक ठीक है और चैनल को कर दें आप सब्सक्राइब अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं आगे लगातार ऐसे ही आ, सीरीज में ठीक है ना? और चलिए रखिएगा अपना हेल्प टेक केयर गुड बाय